यहाँ से आपको ओपन कर लेना है काइन मास्टर एप्लीकेशन को। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आपको चल जाना है क्रिएट न्यू पे, और यहाँ से आपको जिस साइज़ में आपको वीडियो बनाना है वो साइज़ आपको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम IGTV वीडियो या एनी अदर्स जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो हम यहाँ से यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो तो यूट्यूब पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से आपको चल जाना है वीडियो पे, और यहाँ से आपको वो टेम्पलेट ले लेना है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वाला इंट्रो हमको बनाना है तो इसको ले लेना है। तो आपको मैं एक बार इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये प्ले हो चुका है। ये हो जाने के बाद मैं यहाँ से चल जाना आपको जो लेयर वाला ऑफ वाला हमको इसे कर लेना है पूरा जूम। जूम कर लेने के बाद मैं यहाँ से फुल जूम कर लेना है, और जैसे अपने इंस्टाग्राम को लोगो ऊपर के साइड में जाता है तो उस लोगों को ऊपर के साइड में जाने देना, और जहाँ पर लोगो स्टॉप होता है उस पर रोक देना। उसके बाद में लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद में जो आपकी प्रोफाइल पिक है इंस्टाग्राम की उस पर क्लिक कर देना है। अगर आप भी कुछ इस तरह के प्रोफाइल पिक बनाना चाहते तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं मैं इसका भी एक ट्यूटोरियल आपको ला के दूंगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताना कि इस तरह का आपको ट्यूटोरियल चाहिए। नहीं देख सकते कुछ इस तरह से प्रोफाइल दिखेगी आपको बिल्कुल प्रोफेशनल एक सर्कल में। तो इस तरह से आपको इसे इंपोर्ट कर लेना, और इसको आपका साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जो भी साइज़ आपको रखना है। तो इसे छोटा बड़ा हम कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसे इतना एडजस्ट करके रख लेते हैं, तरह से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद में हमको चले जाना है यहाँ से जो इन एनिमेशन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना, और यहाँ से हमको चल जाना है स्केल अप करके जो एनिमेशन है उस पर, और इसकी टाइमिंग थोड़ी कम कर देनी है, इसे हाफ सेकंड से कम कर लेना है। इसे इतना करने के बाद में हमको यहाँ से चल जाना टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है @ जो भी आपका प्रोफाइल का नेम हो उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ @TechBoy-Rajesh। अगर आपने भी अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो इसकी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए और भाई के फॉलोअर्स बढ़ाइए। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो इसे कर लेते हैं ब्लैक। इससे आप जो भी कलर रखना चाहे वो रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल के लिए इसका कलर ब्लैक रखूँगा। ब्लैक रखने के बाद में आपको यहाँ से चले जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है ये वाला इटैलिक बोल्ट इटैलिक करके एक फॉन्ट है, इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेना है, और इसे आप इसका भी साइज़ आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये फॉन्ट थोड़ा उतना खास नहीं रख रहा, तो दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते दूसरा फॉन्ट ये वाला ले लेते हैं बोल्ट इटैलिक ये वाला, ये दूसरा फॉन्ट है फ्रेंड्स। इसको लेने के बाद में इसे अपने को अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद में आपको यहाँ से इसको चले जाना है इसके भी इन एनिमेशन में। तो इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद में इसे चले जाना है इन एनिमेशन में, और उसके बाद में वाइप डाउन करके जो ऑप्शन है एनिमेशन है उस पर क्लिक करके इसका टाइमिंग रख लेना है हाफ सेकेंड का। इसे थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, आपको अपने जो प्रोफाइल के एनिमेशन है उससे आपको इसे मैच कराना है, या उससे कम भी रख सकते हैं, पर उसके बराबर में आपको लाना है जो इसके एनिमेशन है सेम। इसका टाइम देख लेते हैं हम यहाँ से, तो कुछ इतना टाइम इसका रख लेते हैं। इतना रखने के बाद में अब हम यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं। तो देख सकते कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है, तो इसको प्ले करके और एक बार देख लेते हैं। इसको थोड़ा आगे के साइड में बढ़ा लेते हैं, जो हमारा इंस्टाग्राम का लोगो है वो थोड़ा पहले आ रहा है, तो इसको थोड़ा आगे के साइड में बढ़ा लेते हैं। दोनों को हम यहाँ से फुल कर लेते हैं, तो कुछ इतना एडजस्ट करने के बाद में इसे कट कर लेना लेफ्ट साइड से। उसके बाद में इसको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको गाइस। तो देख सकते कुछ इस तरह से हमारी आ रही है, और जो आखिरी में वाइट आ रहा है इसको क्या करना है आपको, इसको कर लेना है राइट साइड से कट टेक्स्ट और आपकी प्रोफाइल पिक को। उसके बाद में हमको इस पर क्लिक करके आउट एनिमेशन पर क्लिक करके उसका उल्टा करना है,
हमने वहाँ पे स्केल अप किया था, तो यहाँ से हमको स्केल डाउन करके करना है, तो ये वाला नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्केल डाउन करके जो है इसे सिलेक्ट कर लेना, इसका टाइम भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, टेक्स्ट के साथ भी वैसे ही करना है। यहाँ से हमको वाइप अप करके एक एनिमेशन है उस पर क्लिक कर लेना है और इसको कर देना है राइट क्लिक, इसका भी टाइमर अपने हिसाब से क्लिक कर लेना है। तो ये हो गया, उसके बाद में यहाँ से देख सकते कुछ इस तरह से हमारी एनिमेशन आ रही है और जा रही है। तो ये देख सकते कितना कितना प्रोफेशनल लग रहा है। इसको मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन में प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते गाइस हमारे एनिमेशन जो इंस्टाग्राम इंट्रो है वो कुछ इस तरह से बन चुका है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को वीडियो के नीचे एक कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।